का मैं 4-5 साल से प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का। पता है इस बिजनेस में रिटर्न अच्छा खासा होता था, अच्छा भला इसमें मार्जिन था, इस वजह से लोग इस बिजनेस की तरफ भागते थे बहुत सारे। फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी खफा हो गए हैं, अब वो नहीं कर रहे, वो कहते डीवैल्यू हो रही है हमारी प्रॉपर्टी। सर 12 सिंघा हिरन, 9 सिंघा हिरन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। आज का जो हमारा व्लॉग है वो प्रॉपर्टी डीलर हजरात या मुल्की मौशी हालात पर जो लोग इंटरेस्ट है जिनका, या प्रॉपर्टी रियल स्टेट बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं और एक और मेरा भाई, हम दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग इकट्ठे बैठे हैं और हम आपके जो 4 से 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ना, मेरे ख्याल में अगर आप गूगल की रिपोर्ट निकालें तो ये सबसे ज़्यादा सर्च करदा सवालात होंगे प्रॉपर्टी रियल स्टेट बिजनेस से रिलेटेड, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक भाई मेरे पास आए हुए थे, मैंने कहा यार हमारा व्लॉग भी बन जाएगा और हम आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा देंगे, तो उससे रिलेटेड आज का व्लॉग है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, भाई को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। जो भाई हमारे पास आए हुए हैं उनको शायद आपने मेरे एक व्लॉग में पहले देखा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ जो लोग नए हैं उनसे मैं इनका तारुफ करा देता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद और ये मोहम्मद भाई जो हैं इनका भी एक इधर रियल स्टेट का ऑफिस है, जैसे हमारा ये छोटा सा गरीब खाना है वैसे इनका भी एक बहुत प्यारा सा गरीब खाना है और ये रियल स्टेट बिजनेस में मुझसे पहले के हैं क्योंकि ये इनकी पूरी फैमिली जो है रियल स्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है और शहर में अच्छा खासा काम है इनका। एक दो ऑफिसेज हैं, एक ब्रांच नहीं है, दो या तीन ब्रांचेज हैं इनकी। तो उनसे हम आज के डिस्कशन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मिलवाता हूं उनसे, फिर हम आज के ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं। सर ये हैं मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब का जो है इधर हाशिम प्रॉपर्टी लिंकर्स के नाम से इनके दो ऑफिसेज हैं रियल स्टेट के, मुझसे पहले कि ये रियल स्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और मुझे एक शर्फ हासिल है कि जब मैंने रियल स्टेट बिजनेस शुरू किया था तो इन्होंने कुछ टाइम मेरे साथ भी लगाया था क्योंकि इनके जो चाचू हैं वो मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे ये तोहफे में दिए थे कि ये आपके साथ रहेंगे जितना अरसा आप इनको रुकना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, इनको पूरी मार्केट का पता था, तो इनसे हमारा इस तरह से भी ताल्लुक है। मोहम्मद भाई क्या हाल है आपके, ठीक है? मोहम्मद भाई हमारी ऑडियंस के लिए ना मैं आपसे 3-4 सवाल आते हैं जो हम आपस में जब भी बैठते हैं हम डिस्कस करते हैं, तो आपसे मैं वही पूछना चाहूँगा। नंबर वन, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से रियल स्टेट बिजनेस में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5 साल से प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, तो 5-4 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अच्छा मोहम्मद भाई, दूसरा जो सवाल आजकल हमारे हर बंदे का है, हमारा भी है, हमारी ऑडियंस का भी है कि रियल स्टेट बिजनेस का इस टाइम क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? एक्चुअली फ्यूचर तो दूर तक फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले 1.5 साल से नज़र बंद हो गया है फ्यूचर आना क्योंकि 1.5 साल से कारोबार नहीं है। अच्छा, ऐसे वेले बैठे क्या कि सोच के वेला बैठना भी कितना बड़ा काम रहा पता लग रहा है हमें ना। अच्छा। कि कस्टमर आ रहे हैं कि तो पूछने के लिए भी आते लोग वो भी नहीं आ रहे, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी के इस टाइम इस दौर में 2024 के दौर में नज़र नहीं आ रहा है फ्यूचर। अच्छा, आपके सामने है फ्यूचर। मोहम्मद भाई आप ये बताएं कि आपका जो लास्ट कोई भी डील हुई थी वो कितना अरसा पहले हुई थी? वो मेरी डील लास्ट में हुई थी, 1 लाख का प्लॉट सेल किया था मार्च में, मार्च 2023 में। अच्छा, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है, मार्च आ गई, इसी डेट को सोचा कि 8 को 92 थे, आज 8 फिर आ गई। आपका 1 साल से कोई डील नहीं हुई आपकी? नहीं है, डील नहीं हुई। तो फिर आप अपने दफ्तरी एक्सपेंस कहाँ से पूरा कर रहे हैं? वही जो 4-5 साल मार धाड़ की थी, अब उससे बैठे हैं। मार धाड़ की थी आपने? बस देखिए लोग तो हमें मार धाड़ ही कहते हैं, डीलर मार धाड़ करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई कहता भाई ये गाड़ी कहाँ से लेके आया, भाई डीलर के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से, हमारी मेहनत नहीं देखते, बस हमारी शोहरत देखते, हमारा पैसा देखने जाते हैं, भाई पीछे वाला नहीं देखते हमने क्या किया, कितनी मेहनत की, कैसे की, कोई नहीं देखता। यार इस बात को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, ये बात तो सच है कि जो बंदा प्रॉपर्टी डीलर है ना, या जो प्रॉपर्टी या रियल स्टेट बिजनेस में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपको पता है इस बिजनेस में रिटर्न अच्छा खासा होता था, अच्छा भला इसमें मार्जिन था, इस वजह से लोग इस बिजनेस की तरफ भागते थे, बहुत सारे लोग नए आ गए थे, तो जो बंदा देखता था ना वो यही कहता था हराम की मंडी है, हमारे पैसे खा गए, हमारा ये कर गए, हमारा वो कर गए। यार कई लोग ऐसी, कई काली भेड़ें माशरे में होती हैं, मैं नहीं कहता नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बदनाम हो जाते हैं
कि उन्होंने बड़ी मेहनत से डील कराते हैं, सारा कुछ करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बेचारा पूरा दिन भागता फिरता है, कभी इधर से चाबी अरेंज करके फलानी पार्टी को दिखानी है, कभी उधर से चाबी अरेंज करके दूसरी पार्टी को दिखानी, सौदा भी नहीं होता मोहम्मद भाई, और फिर अपना खर्चा जेब से लगाता है वो। अच्छा, लोगों के ये भी है इतना करोड़ रुपए का प्लाट ले लेते हैं जी, हम 2% में 1% कमीशन कहते हैं, तो करोड़ का प्लाट लेकर कहते हैं लाख रुपए आपको भी दे, नहीं लाख रुपए दुआएं दे, हम दुआएं लेने के लिए बैठे हैं, इतना किराया भर रहे हैं, इतने फीसें भर रहे हैं, इतना चाय का बिल है हमारा, इतना घर का खर्चा नहीं जितना ऑफिस का खर्चा आ जाता है, तो हम लाख रुपए आपको भी दें, तो यहाँ से लोगों तकलीफ मिल जाती है। अच्छा, बस यही हालात है। मोहम्मद भाई आपको क्या लगता है ये हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? कोई कुछ नहीं कह सकते इस हुकूमत में, इस गवर्नमेंट में कोई मतलब फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान से पैसा निकाल के दुबई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए हैं, इधर नहीं कर रहे। DHA कितना फ्लॉप जा रहा है, हमने एक साल पहले 60 लाख की फाइल लेके दी थी एक आदमी को, अब वही फाइल 28 लाख में लगे, सॉरी अब देख सकते 28 किधर आया पड़ा है। मतलब आपको रियल स्टेट बिजनेस का फ्यूचर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा? फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी खफा हो गए हैं, अब वो नहीं कर रहे, वो कहते डीवैल्यू हो रही है हमारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो रहा है, फीस कहाँ से कहाँ चलेगी, जो 2 लाख की ट्रांसफर फाइल होती थी अब 6 लाख में होती है, तो कहाँ बंदा रहेगा? इन्वेस्टर सब चलता है इन्वेस्टर पे काम, इन्वेस्टर नहीं है हमारे पास, इन्वेस्टर खत्म हो गया है, अब हम क्या करें, कमीशन में तो रहा नहीं क्या काम। यार एक ना बड़ा कॉमन सवाल होता है सबका कि अगर आपके इतने बुरे हालात हैं, आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं समझ में आ रहा, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये बड़ा कॉमन सवाल होता है लोगों का। मैं आपको बताऊं, जब आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, और अगर आप उसको छोड़ के कोई और बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप मार्केट से आउट हो जाते हैं, दोबारा आप उस मार्केट में इन होने के लिए आपको बड़ा टाइम लगता है। हम जैसे लोग इसीलिए ये टाइम फेस कर रहे हैं कि यार हमने आउट नहीं होना, हमने भागना नहीं, हम इधर ही हैं, जब भी हालात सही हुए हमारा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद भाई आपकी इस पे क्या सोच है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हालात इतने बुरे हैं, तो आप छोड़ते क्यों नहीं? देखें, सबसे पहले अल्लाह पाक कहते हैं सब्र करो, रिस्क अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता, मुल्क हालात इंशाल्लाह नहीं तो कल ठीक होंगे। बिल्कुल, फिलहाल जो हालात है, नया डीलर तो कोई आ ही नहीं सकता, अब इस टाइम 24 में कोई डीलर नया नहीं आ सकता, जो पहले वाले बैठे हैं वही आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, बैठे हैं वेले बैठे हैं, बस इधर बैठे उधर बैठे हैं, बाकी देख सकते हैं क्या मुश्किल लगता है मुझे कि सर्वाइव करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी के काम में, अगर जिसकी 3 ब्रांचों से 2 ब्रांचें बनानी पड़ेगी, जिसकी 2 से 1 ब्रांच बनानी पड़ेगी, काम ऐसा हो गया बहुत मुश्किल। मतलब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, नजर नहीं आ रहा, आंखें बंद हो गई हैं। यार ये वो 3 से 4 सवाल आते हैं जो ना हर बंदे के बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि रियल स्टेट रिलेटेड। यार वो एक मिनट, मेरे ख्याल में ना चाय लेके आया। आजो। नहीं, वो मैंने लॉक किया हुआ है शायद, मुबीन भाई से हमने चाय मंगवाई थी, वो चाय लेकर आए हैं मेरे ख्याल में। तो ये एक छोटा सा ना मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा था कि जी ये मुबीन साहब पहले हमारे लिए चाय ले आए हैं, वो पहले सर्व कर दें, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाह रहा था कि आप लोगों के भी, ये मुझे पता है सबके ये सवालात होते हैं, सबको लोग आजकल रियल स्टेट रिलेटेड ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर बंदे से पूछता है। तो हमने सोचा कि हम दो लोग बैठे हैं, हम क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दें। मोहम्मद भाई आपका बहुत शुक्रिया, अभी मोहम्मद भाई की खिदमत कर रहे हैं, चाय शाय पिला रहे हैं, अभी आप सिर्फ चाय पिए। तो बहुत दिन हो गए चाय पिए हुए। सर आप रियल स्टेट वालों के हालात देखें, भाई कह रहे हैं चाय पिए हुए बहुत अरसा हो गया। प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, ये कप था 20 रुपए का, 25 रुपए का, अभी हो गया 1700 रुपए का, अब कहां से भाई पिए? 70 रुपए का कप हो गया और काम तो चल नहीं रहा, तो पिलाएंगे कहां से? चाय तो मना, जैसे खान साहब कहते थे वजीर आलम हाउस में, चाय नहीं दूंगा किसी को, खुद पीऊंगा किसी को नहीं दूंगा, वो यहाँ हालात हमारे आए पड़े मुर्शिद का। ये जो इन्होंने हाथ जोड़ के आपको एंड में अपना एक्सप्रेशन दिखाया ना, रियल स्टेट वाले सब भाइयों का ये एक्सप्रेशन है। आजकल बड़ी फनी वीडियोस आ रही हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आई होती हैं कि प्रॉपर्टी डीलर हजरात के आजकल के हालात कैसे होते हैं, उसमें उन्होंने बड़े मीम्स बनाई होती हैं, आपने देखी होंगी। हाँ, वो कहते हैं भाई जेरा वेला ओ प्रॉपर्टी डीलर, जेरा वेला ओ प्रॉपर्टी डीलर, जिन्हों घर रोटी नहीं मिलती ओ प्रॉपर्टी डीलर। लेकिन ये सच है मोहम्मद कि इतने लोग इन्वॉल्व हो गए थे भाई? ये बात ठीक है, जब हमारे चाचू जाना मेरे उस्ताद हैं, वो काम करते थे, वो कहते तुम्हारे, जब हम काम करते थे 3 से 4 डीलर होते थे हमारे मार्केट में पूरी, अब देखो हर बच्चा डीलर है, हर कुंडी खड़का डीलर है, ये हालात हुए पड़े हैं। कहीं प्लाट विजिट करो साधा नहीं कराते भाई, प्लाट ले रहे हो? मेरे सर हमसे ऐसा हुआ, मैं प्लाट दिखाने गया H ब्लॉक में, देखा प्लाट घर बाबा निकला ऐसे,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने किसी तबलीग वाला तबलीग करे कभी, कहता ये प्लॉट ले रहे हो? मैंने कहा जी जी ले रहे, प्लॉट ले रहे हैं। तो इस पर केस है? अच्छा, इस पर केस है? मैंने कहा सर क्यों केस है इस पर? ये बस खराब है प्लॉट, इसे ना लो प्लॉट। मालिक भी साथ है, मैंने मालिक को कार दी। मैंने कहा सर आपके प्लॉट में तो केस है, आप हमें कैसे प्लॉट दिखा रहे? पार्टी तो खफा हो रही है मुझसे। वो कहता है किसने कहा? मैंने कहा आपके हमसाया ने कहा। उसने तीन चार डैश डैश बोल के चुप हो गया। फिर वो जो बाबा जी आए थे वो कहते हैं मैंने बेटी के लिए लेना था इसलिए मैं कहता कोई और ना खरीदो, मेरी पेमेंट आनी है दिसंबर में। अच्छा। दिसंबर में पेमेंट आनी है और तो पार्टी खराब करे दिसंबर तक, ऐसे क्या हाथ है लोगों के? ये वही बात है कि हर बंदा डीलर बन गया था, हर बंदा जो है ना अपने कमीशन अपनी रोजी के चक्कर में पड़ गया। लेकिन यार बस दुआ है कि हम सब भाइयों का काम चले, रियल स्टेट के हालात कुछ बेहतर हों। ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार होगी और मोहम्मद ने जिस तरह से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं ना बड़े मज़ेदार तरीके से, आप लोग मज़ा आया होगा आपको सुनकर। घोड़ा कहाँ से लिया सर? ये घोड़ा जो है ना, ये घोड़ा, ये वाला घोड़ा, ये छोटी सी हिरन और ये बुर्ज खलीफा टाइप जो भी है और वो हिरन, ये सब कुछ हम जो है ना जब हमने ये ऑफिस दोबारा से प्यारा, ये बुर्ज खलीफा है हमारे पाकिस्तान में, बुर्ज खलीफा है इंडिया चांद पे पहुंच गया, पहले चांद से है। हाँ। ठीक है, ये हमारे लिए बुर्ज खलीफा इधर ही है, इधर आके विजिट कर लो। ये हिरन है सर, बारह सिंगा हिरन, भाई जी ना आप लोग देख रहे हैं रियल स्टेट वालों के हालात क्या हो गए हैं। वो बेचारा खड़ा हो गया, उसके सींग गिन रहा है कि नहीं बारह सिंगा है कि नहीं। तो यार ये वीडियो जो है ना आज की बड़ी मज़ेदार है और देखें हमारे एक्सपेंस तो वहीं पे है ना, हमने ये दफ्तर चलाना है, हमारे पास कोई मेहमान आता है हमने उसकी खातिर भी करनी है, हमने रेंट भरना है, हमने बिजली के बिल भरने हैं, हमने तनख्वाहें भरनी है, हमने सब कुछ करना है, एक्सपेंस वहीं पे रहा है लेकिन इनकम जीरो हो गई है। हाँ, ATM कार्ड की मोहम्मद की फीस आई हुई है वो भी उसने भरनी है। पंजाबी गल करते भाई जान, आपने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, आजकल हर प्रॉपर्टी डीलर का दिमागी तोज़न ऐसे ही हिला हुआ है। तो बस आप सब हमारे लिए दुआ करें, हमारे हालात बेहतर हो, हमारा काम चले और हम आगे इस मजीद काम को बढ़ा सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अल्लाह हाफिज़। और ये वायरल करवा दो भाई, मार दो, बच्चा बड़ा सोना है, लाइक बता दो, अगले ब्लॉग में जाना।